हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सब लोग ठीक होंगे और आज मैं शेयर कराऊंगा आप लोगों को हम लोग का घर का किचन गार्डन। तो ये बैगन है, ये टमाटर है, फले हुए हैं, थोड़ा पानी का कमी के वजह से छोटा छोटा ही है, लेकिन ठीक है, गांव के हिसाब से अच्छा फला है, ठीक ठाक ही है, बहुत बढ़िया तो नहीं है लेकिन हाँ चल जाएगा, इतना अच्छा है। और सूखने के कगार पे हो गया क्योंकि अभी बारिश का दिन हो गया है, ख़त्म पटावन से हो रहा है, कुआं से पानी डालते हैं। बैगन तो अच्छा है, इसमें तो पानी कम देने से भी अच्छा हो जाता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, कम पानी में अच्छा फसल दे देता है। लेकिन बैगन ये है कि हर आदमी को पसंद नहीं आता है तो घर में भी यही है, जिस दिन बैगन बनेगा उस दिन कोई खाएगा नहीं, और जिस दिन कोई अच्छा चीज़ बनेगा तो पूरा नहीं होगा। और ये गाइस प्याज है, अच्छा सा प्याज, नहीं नहीं सॉरी ये लहसुन है यार, प्याज अलग है, प्याज तो लगा ही नहीं अभी, ये तो गाछी तैयार हो रहा है इसका, इधर है हम भी पहचानने में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, प्याज नहीं था वो, लहसुन है। बढ़िया है, अभी इस सीज़न में क्या धान धुन कट गया ना, तो अभी काम भी नहीं है घर पे, तो ये बागवानी खेती कर लो, फूलगोभी, लहसुन, बैंगन, प्याज, ये सब उगा लो, वही कर रहे हैं हम लोग घर पे ये तो पालक है, और बीच बीच में हिंदी में बोले तो अरबी, बड़ा वाला अरबी, और देसी में बोले तो साखिन कांदा, ये है। और ये प्याज लग रहे हैं, और इसमें बीच बीच में धान वाला जो पिलई को जला के जो राख बनता है वो दिया गया है, ताकि अच्छा फसल हो, इससे बोलते हैं उर्वरक अच्छा बनता है मिट्टी का, और प्याज का कांदा बड़ा होता है, इसीलिए पानी डाल रहा है मेरा साला जी हेलो बोल रहा है, ये बड़े साला जी हैं, टोपी मास्टर, और वो दूसरा है, छोटे वाले हैं, ये है साखिन कांदा बोलते हैं। खेती अभी लग ही रहा है, अभी ठंडा दिन है, मार्च अप्रैल तक इसको अप्रैल तक लास्ट तक हो जाएगा, अभी तो लग ही रहे हैं, लगाया हुआ है ताज़ा ताज़ा, पानी भी डाल रहे हैं आज, और सुबह सुबह का टाइम है, अभी दिन भी निकला नहीं है, कभी कभी कैमरा में मेरा दिख रहा होगा आप लोग को कि सुबह का समय है, ज़्यादा उजाला नहीं हुआ है, धूप तेज नहीं हुआ, कहने का मतलब। तो चलो गाइस, आज का हम लोग का ये बारी वाला ब्लॉग को अंत करते हैं, बाय बाय।